नरसिंहपुर में एक परिवार के घर का चिराग झूला छाप डॉक्टर की लापरवाही से बुझ गया। ऊपर से स्वास्थ्य सिस्टम का सितम ने इस परिवार के दुख को और गंभीर कर दिया। गुरुवार को साईखेड़ा के मेहरा गांव के 9 साल के अतुल राजपूत की मौत हो गई। अतुल का इलाज यहां के झूला छाप डॉक्टर बंगाली से चल रहा था। परिवार के मुताबिक गुरुवार को डॉक्टर ने बिना ब्लड टेस्ट मलेरिया का हाई डोज इंजेक्शन लगा दिया, जो जानलेवा साबित हुआ। इंजेक्शन के बाद उनका बेटा ऐसा सोया जो कभी ना उठ सका। परिवार को ऐसा सदमा लगा कि अतुल के मां और पिता दोनों होश में नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने जैसे तैसे अतुल को दफनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन जब अतुल के दादा ने अपने नाती के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का मन बनाया और थाने में डॉक्टर की शिकायत की, तो पुलिस ने अतुल के शव को जमीन से खनन कर पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला। पर सिस्टम का सितम यहां अभी इस परिवार की मुसीबत की परीक्षा लेने को तैयार था। वैसे तो आगे की कार्यवाही पुलिस के अधीन है, बावजूद इसके पुलिस परिजन के सहारे अतुल के शव को लेकर साईखेड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल में डॉक्टर आदित्य जो यहां के प्रभारी हैं वो बिना बताए गायब मिले। ऐसे हाल में शव को पोस्टमार्टम के लिए या यूं कहें कि न्याय के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकना पड़ा। क्या क्या मामले को लेकर? वो उसकी तबीयत खराब थी, तो मंगलवार के दिन बंगाली डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाया था। नाम क्या है बंगाली डॉक्टर? डॉक्टर का नाम तो नहीं मालूम, साईखेड़ा से आता है वहाँ। और उसके बाद बुधवार को उन्हीं ने बोले इसको पीलिया है, पीलिया झड़वाओ। तो बुधवार को पीलिया भी झड़वा के लेके आए बनवारी से। फिर वो गुरुवार के दिन फिर उसने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में वो चले गए और बच्चा खेल रहा था। बाद में बच्चा सोया, शाम को सोया तो सोया रह गया। क्या लगता है? एक मामला है जो हमारी अभी तक की जानकारी और पुलिस ने जानकारी दी है कि किसी बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है, जिसमें मलेरिया की 2-3 दवाइयां उसको एक साथ दी गई हैं। हमारी कोई भी दवाइयां जो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, जिसको ऑथराइज नहीं है, वो कोई भी दवाई किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकता। और ये जो मामला अभी का आया है, इसके संबंध में इन्होंने इसको साईखेड़ा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे पोस्टमार्टम रूम ऑलरेडी है और वहीं इनका पीएम हो सकता था। ऐसी हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारी जानकारी में। अच्छा, क्या लगता है पूरा मामला कि क्यों ऐसा हुआ और फिर आज आप लोगों को एक बार फिर अतुल को बाहर निकाल के लाना पड़ा है? सर, उसका इलाज चल रहा था, उसके बाद बंगाली डॉक्टर ने सूजी लगाई 2 बजे दिन में। उसके बाद सर शाम तक ठीक खेला बच्चा, और उसके बाद वो सो गया और सोता है कि सोता रहेगा सर। जब देखा तो मृतक पाया गया सर। फिर दूसरे दिन, पहले दिन उसको दफनाया गया। फिर सर घर वाले कुछ लोग नहीं माने, तो दद्दा जी और हमारी माया दीदी गई।